नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज में। चंपावत के लोहाघाट में स्थित मां बारही का भव्य मंदिर लोहाघाट अल्मोड़ा मार्ग से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। उत्तराखंड में स्थित हर एक मंदिर की तरह ही इस मंदिर की भी काफी मान्यता है। ये मंदिर महाभारत में पांडवों के अज्ञातवास से लेकर अनेक पौराणिक, धार्मिक और ऐतिहासिक घटनाओं से जुड़ा हुआ है। यहाँ हर साल एक प्रसिद्ध देवीधुरा मेला भी आयोजित किया जाता है। इस मेले के बारे में बात करने से पहले आइए थोड़ा जान लेते हैं इस मंदिर के बारे में। यहाँ से जुड़ी एक पौराणिक कथा के मुताबिक ये स्थान काली माँ की उपासना का केंद्र था, जहाँ किसी समय में काली के गणों को प्रसन्न करने के लिए नरबलि की प्रथा थी। इस प्रथा की कालांतर में स्थानीय लोगों द्वारा बंद करा दिया गया, लेकिन मौजूदा समय में माँ बाराही देवी की ये मान्यता भी है कि चम्याल खाम की एक बुजुर्ग की तपस्या से प्रसन्न होने के बाद नर की बलि बंद कर दी गई और बग्वाल की परंपरा शुरू हुई। इस बग्वाल में चार वर्ग भाग लेते हैं, जिसमें उत्तर की ओर से लमगड़िया, दक्षिण की ओर से चम्याल, पश्चिम की ओर से वालिक और पूर्व की ओर से गहडवाल के रणबाकुरे बिना जान की परवाह किए एक इंसान के रक्त निकलने तक युद्ध लड़ते हैं। लेकिन भले ही 3 सालों से बग्वाल फल और फूलों से खेली जा रही हो, उसके बावजूद भी योद्धा घायल होते हैं और उनके शरीर से खून निकलता दिखता है। और इस साल भी इसका आगाज होने जा रहा है, जिसके चलते बग्वाल मेले की शुरुआत आज से की गई है। चंपावत जिले के लोहाघाट में 8 अगस्त से 19 अगस्त तक चलने वाले ऐतिहासिक बग्वाल मेले का आज शुभारंभ हो गया है। विधि के अनुसार सांगी पूजन के बाद वन विकास निगम अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री कैलाश गहतोड़ी ने फीता काटकर इस मेले का शुभारंभ किया। 12 दिन चलने वाले बग्वाल मेले को लेकर ऐतिहासिक बाराही धाम मंदिर को केदारनाथ मंदिर के तर्ज पर फूलों से आकर्षक रूप से सजाया गया है। मंदिर के पीठाचार्य कीर्ति बल्लभ शास्त्री ने बताया कि मंदिर सजाने के लिए क्षेत्र के युवा और मंदिर समिति के लोग 4 दिनों से जुटे हुए हैं। बग्वाल मेले में श्रद्धालुओं की भीड़ भी उमड़नी शुरू हो गई है। दूर दराज से व्यापारी आने लगे हैं। सोमवार को देवीधुरा मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने माँ बाराही के दरबार के आगे शीश नवाया। आसपास के गांवों के अलावा भी दूर दराज के इलाकों से भी लोग देवीधुरा पहुंच रहे हैं। वहीं मेले के पहले दिन श्रद्धालुओं ने माँ बाराही, हनुमान मंदिर, मुंजकुंद, ऋषि आश्रम और भीमशिला के दर्शन किए। इस मेले में हल्द्वानी, नैनीताल, सितारगंज, मुरादाबाद, नानकमत्ता, अल्मोड़ा, चंपावत, लोहाघाट, पिथौरागढ़, धारचूला, बरेली, पीलीभीत, हाथरस और अन्य शहरों से आए व्यापारियों ने अपनी दुकानें सजाई हुई हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि 12 अगस्त के दिन यहां बग्वाल खेली जाएगी और इस दिन CM पुष्कर सिंह धामी भी यहां शिरकत कर सकते हैं। बग्वाल मेले से जुड़ी हमारी इस रिपोर्ट में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन इस भव्य मेले से जुड़ी आगे की जो भी अपडेट होंगी वो हम आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जेजेएन न्यूज़।